हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएम इंग्लिश मंत्र। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में। आपके रीट के एग्ज़ाम में या और किसी कंपटीशन के एग्ज़ाम में करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं दैट आर बेस्ड ऑन टेंस एक्सरसाइजेज। टेंस के बारे में मैंने अलग से कई सारे वीडियोज़ बनाए, लगभग 34 वीडियोज़ का एक प्लेलिस्ट है मेरा टेंस का, मेरे चैनल पर उसको आप देख सकते हैं। आज हम इन होल उसके बारे में एक बात करेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चंस रीट की परीक्षा में आते हैं, तो उन क्वेश्चंस का एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मेट देखने वाले हैं। यहाँ पर आई हैव 8 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको कई सारी टेक्निक्स जो हैं परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चन लेकर के आती हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या टेंस से रिलेटेड, उसके बारे में आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं। तो साथियों, आप अगर मेरा वीडियो देखते हैं कंटिन्यूसली और मेरे वीडियो को पसंद करते हैं और अभी तक आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, फिर हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम टेंस के क्वेश्चंस की बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि टेंस क्या होता है। तो मेरे वीडियोस में मैंने आपको 34 वीडियोज में कितना समझाया होगा टेंस के बारे में, उसे 2 मिनट में एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। टेंस मीन्स होता है वर्ब इन टू टाइम इज टेंस, यानी कि किसी समय में किसी क्रिया का होना टेंस कहलाता है। देर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, और इनके भी चार चार प्रकार होते हैं, चार चार इनके सेक्शंस होते हैं, जिनमें नंबर 1 इंडेफिनेट होता है, नंबर 2 कंटिन्यूस होता है, नंबर 3 परफेक्ट होता है, नंबर 4 परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। इन तीनों में मिलकर होकर के कुल मिलाकर के 12 टेंसेस तैयार हो जाते हैं अपने। जब भी हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हैबिट्स के बारे में बात करते हैं, डेली रूटीन के बारे में बात करते हैं, फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, सहायक क्रियाएं जो हैं वो एफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं आती हैं, लेकिन इंटरोगेटिव में डू और डज का प्रयोग किया जाता है। डू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट्स और आई के साथ में, डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में किया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एज एम आर हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ की जाती है, मेन वर्ब में आई जी लगाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में काम जहाँ खत्म होता है वहाँ पर हम हैज और हैव का यूज़ किया जाता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई काम लंबे समय से चल रहा है, उसका कुछ हिस्सा कंप्लीट हो गया एंड सम पार्ट इज स्टिल कंटिन्यू, कुछ अभी भी जारी है, या हैज बीन हैव बीन के साथ में मेन वर्ब में आई एन जी लगाते हैं। सेंस और फॉर का यूज़ किया जाता है, बिफोर पॉइंट ऑफ टाइम हम सेंस लगाते हैं, बिफोर पीरियड ऑफ टाइम फॉर लगाते हैं। ऐसे ही पास्ट टेंस में, पास्ट में कोई काम हुआ था किसी पास्ट के किसी टाइम पर, तो वहाँ पास्ट इंडेफिनेट टेंस आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है सिंपली। क्वेश्चन और नेगेटिव के लिए पास्ट इंडेफिनेट या सिंपल पास्ट में हम डिड का प्रयोग करते हैं, वहाँ वर्ब फर्स्ट फॉर्म में बदल जाती है। पास्ट कंटिन्यूअस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आई वॉज हेल्पिंग वर्ब आती है और प्लूरल के साथ वर आती है, मेन वर्ब में आई जी लगाते हैं, पास्ट में कोई काम चल रहा था। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट से भी पहले का पास्ट, यानी मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन निकल चुकी थी, तो ट्रेन का जो निकलना था पास्ट से भी पहले की घटना, दैट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट टेंस। या हेड और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, आफ्टर और बिफोर से जोड़ करके दो क्लॉजेज को एक साथ रखते हैं, दूसरा क्लॉज पास्ट इंडेफिनेट का लगता है उसमें। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पास्ट से भी पहले से कोई काम लगातार चल रहा था, पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम तक कंटिन्यू था। अब हम फ्यूचर की बात करते हैं, तो फ्यूचर में आई और वी सब्जेक्ट के साथ फ्यूचर बताने के लिए फ्यूचर इंडेफिनेट में शैल का प्रयोग किया जाता है, बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया जाता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। और अगर कोई हमको प्रोमिस करना है, डिटर्मिनेशन या थ्रेट वाली बात है, तो आई और वी के साथ में विल आता है, अदर सब्जेक्ट के साथ शैल यूज करते हैं। इस प्रकार फ्यूचर से रिलेटेड टेंस बन जाते हैं। कहीं कंडीशनल सेंटेंस आ रहा है, तो कंडीशनल सेंटेंस में इफ क्लॉज को हम कंडीशनल क्लॉज को प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं, तो मेन क्लॉज को हम फ्यूचर टेंस में बनाते हैं। ये आप लोग ध्यान रखें, इन सारी चीज़ों को लेकर के हम एक साथ अभी चलते हैं। वी हैव टू सॉल्व सम ऑफ द एक्सरसाइजेज विच आर ऑन द बोर्ड नाउ। सी, देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल है ही नेवर, ब्लैंक स्पेस है, ड्राइव अ कार लिखा हुआ है, तो उसने कभी भी कार नहीं चलाई थी। इस सेंस के अकॉर्डिंग हमको यहाँ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरना है। तो आप देखेंगे ड्राइव, हैड ड्रिवन, ड्रोव और ड्रिवन, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो हम सेंटेंस को पहचान लेंगे। अगर उसमें कोई भी टाइम नहीं दे रखा है
तो वो पास्ट इंडेफिनिट का होगा, अगर वो हैबिट नहीं है तो। पास्ट इंडेफिनिट का है, पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है, सेकंड फॉर्म में ड्रोव, यानी सी सेक्शन अपना सही होगा। ड्राइव, ड्रोव और ड्रिवन तीन फॉर्म्स होती हैं ड्राइव की, तो हमने ड्रोव चुना है, सेकंड फॉर्म चुना है। नेक्स्ट एग्जांपल, आई विश आई ब्लैंक स्पेस स्पीक इंग्लिश, यानी काश मैं अंग्रेजी बोल पाता, आई विश काश। इस तरह के हाइपोथेटिकल जो सेंटेंस आते हैं उनमें आप सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाइए, जो कि प्रेजेंट सेंस को शो करता है, प्रेजेंट टाइम को शो करता है, पास्ट टेंस होते हुए भी। सो आई विश आई स्पीक की सेकंड फॉर्म होती है स्पोक, जो कि सेक्स ए में दे रखी है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए सही है। आई विश आई स्पोक इंग्लिश, काश मैं अंग्रेजी बोल पाता, टेंस तो पास्ट है लेकिन टाइम प्रेजेंट शो हो रहा है, सेंस प्रेजेंट का है। आगे देखेंगे, ब्लैंक स्पेस है, यू है, ब्लैंक स्पेस है, प्ले है, वेल है और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी हमको क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन मीन्स होता है इन्वर्जन ऑफ हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का आ जाना, ये क्वेश्चन होता है। तो इसमें टाइम अगर नहीं दे रखा है टेंस में तो पास्ट इंडेफिनिट का होगा, जिसमें कि क्या आप अच्छा खेले थे, ये सेंस निकल के आता है। तो हम डिड से क्वेश्चन बनाएंगे, यू आएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, डिड यू प्ले वेल, यानी कि बी अपना ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखें, व्हेन शी ब्लैंक स्पेस हैज हर ब्रेकफास्ट, शी वेंट टू कॉलेज, तो जब उसने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया वह कॉलेज गई थी। वेंट हमको बताता है कि पास्ट टेंस है, यहाँ पर पास्ट टेंस है, तो जब उसने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया, अपना सुबह का नाश्ता कर लिया, तो उसके बाद वह कॉलेज गई, यानी कॉलेज में जाने का काम पास्ट में था, तो उससे पहले नाश्ता करने का काम पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हेड कहाँ है, यहाँ ऑप्शन में हेड ये रही, मेन वर्ब हैज, हैज हैव का मतलब खाना भी होता है, हैज हैव का मतलब पीना भी होता है, हैज हैव का मतलब लेना भी होता है, तो हैज हैव की सेकंड फॉर्म हेड होती है, थर्ड फॉर्म हेड होती है, तो यहाँ थर्ड फॉर्म हेड हमने लगाई है, शी हैड हेड, यानी ऑप्शन ए सही है अपना। व्हेन शी हैड हैड हर ब्रेकफास्ट, जब उसने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था, शी वेंट टू कॉलेज, वह कॉलेज चली गई थी, हैड यहाँ हेल्पिंग वर्ब है और हैड खाने के लिए हैव की थर्ड फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म है। आगे देखते हैं, इट्स कोल्ड, सर्दी पड़ रही है, आई ब्लैंक स्पेस पुट ऑन स्वेटर, सर्दी पड़ रही है तो मैं क्या पहनूंगा, स्वेटर पहनूंगा मैं, और सर्दी पड़ रही तो मैं स्वेटर पक्का पहनूंगा, यानी मौसम को बताने वाला एक सेंटेंस इसमें पहले जोड़ा गया है, इसका मतलब है यहाँ हम कोई बात पक्की करने वाले हैं। आई और वी के साथ जहाँ शैल आता है वहीं पक्की बात करने पर वो शैल विल में बदल जाता है, तो यहाँ विल और विल के बाद फर्स्ट फॉर्म पुट ऑन इधर आ जाएगी, बी ऑप्शन सही होगा, आई विल पुट ऑन स्वेटर, सर्दी पड़ रही है मैं स्वेटर पहनूंगा, ये सर्दी पड़ने वाला वाक्य पहले जोड़ दिया गया है कि सर्दी पड़ रही है इसका मतलब मैं स्वेटर पक्का पहनूंगा। आगे देखें, एट दिस टाइम टुमारो, कल इस समय तक, यानी फ्यूचर टेंस है, कल इस समय पर, एट का मतलब पर, कल इस समय पर आई ब्लैंक स्पेस रीड न्यूज़पेपर, मैं अखबार पढ़ रहा होऊंगा, कल इसी समय मैं अखबार पढ़ रहा होऊंगा, तो ये सेंटेंस जो है वो फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में आप विल बी रीडिंग, विल बी के साथ में रीडिंग मेन वर्ब में आई एन जी लगेगा, आई विल बी रीडिंग न्यूज़पेपर, ये हमें करना होगा कल इस समय तक, बिल्कुल मैं किसी से प्रोमिस करके जा रहा हूँ, तो आई विल बी रीडिंग न्यूज़पेपर, ये करना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, आई ब्लैंक स्पेस डू दिस वर्क बाय संडे, मैं इस काम को संडे तक कर लूँगा, बाय का मतलब यहाँ तक, टिल, मैं इस काम को संडे तक कर लूँगा, यानी कि फ्यूचर टेंस है, और फ्यूचर टेंस में संडे तक कर लूँगा सिंपली ये बात कही गई है, तो संडे तक ये काम मैं खत्म कर चुकूंगा, बाय लगाकर कोई भी टाइम दे रखा है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में उस समय तक मैं ये काम कर चुकूंगा, तो फ्यूचर परफेक्ट का मतलब होता है शैल हैव या विल हैव के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, डू की थर्ड फॉर्म डन होती है, डू डिड डन में, तो हमारा ऑप्शन ए आता है, आई शैल हैव डन दिस वर्क बाय संडे, मैं संडे तक ये काम कर चुकूंगा, इस प्रकार से आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करें, व्हाट मेक्स हर, वॉट मेक्स हर, अब इसमें स्माइल लिया गया, यानी उस लड़की को क्या चीज़ हंसाती है, वो लड़की मुस्कुराने लग जाती है, क्या चीज़ उसको मुस्कुराने के लिए प्रेरित करती है, तो ये सेंटेंस जो है वो
कॉजेटिव वर्ब का एक्टिव फॉर्म है। कॉजेटिव वर्ब के एक्टिव फॉर्म में हम वर्ब से पहले मेक को यूज करते हैं, जैसे स्लीप मीन्स सोना होता है, मेक स्लीप सुलाना होता है किसी को, ईट मीन्स खाना होता है, मेक ईट का मतलब खिलाना होता है किसी को, ऐसे ही डांस मीन्स नाचना है, मेक डांस मीन्स नचाना होता है, ऐसे ही स्माइल मीन्स मुस्कुराना होता है, और मेक स्माइल का मतलब किसी को मुस्कुरा देना। तो यहाँ पर उसी सेंस में यूज किया गया व्हाट मेक्स हर, यानी मेक के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ आती है और वो है स्माइल। ए ऑप्शन सही है, व्हाट मेक्स हर स्माइल। इतना सा सरल सा काम है साथियों। इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं तो आप आराम से इनको देख सकते हैं। कुछ और क्वेश्चंस मेरी टेंसेस की प्लेलिस्ट में जा करके आप सर्च कर सकते हैं। अभी तक लगभग 450 वीडियो बन चुके हैं, उनको देखने के लिए आप मेरे चैनल को ओपन करके सब्सक्राइब करके चैनल में ऊपर लिखा होता है होम वीडियो प्लेलिस्ट, तो प्लेलिस्ट को खोलें आप सीधे, आपके मतलब की कौन सी प्लेलिस्ट, उसमें सैकड़ों वीडियोस मिलेंगे, उनको आप डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो साथियों मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रहे हो तो उन्हें लाइक करें, फ्रेंड्स से शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते रहे इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज के साथ में। टिल देन बाय बाय।